मुजफ्फरपुर के पूर्व महापौर समीर कुमार की आज तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर नगर निगम परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि हुई, जिसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन समीर फाउंडेशन की ओर से किया गया। आपको बताते चले कि बीते 23 सितंबर 2018 के शाम बाइक सवार दो अपराधियों ने AK-47 से समीर कुमार की निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में हत्यारों की पहचान शंभू मंटू गिरोह से जुड़े गोविंद चौधरी और सुजीत कुमार के रूप में की गई थी। पुलिस छानबीन के अनुसार पूर्व मेयर की हत्या जमीन की बड़ी डीलिंग के विवाद में हुआ था। मुजफ्फरपुर नाव भी अपनी पूरी टीम की तरफ से समीर कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सब लोग को, जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं सब लोग आए हैं, और सबका सब लोग अपना सहयोग और साथ देके उसके लिए हम बहुत ही अभिभूत हैं कि सब लोग हमारे साथ हैं। इस मुजफ्फरपुर नगर निगम के प्रथम महापौर समीर कुमार जी का तीसरी पुण्यतिथि है। शहर के सभी कोने से सभी प्रतिष्ठित सारे सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु यहाँ पहुँचे हैं। नगर निगम में यहाँ उनका स्टैचू चूँकि यहाँ के प्रथम महापौर थे इसलिए लगा है, और यही स्थल है जहाँ की हर साल लोग पुष्पांजलि अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम बहुत ही गंभीर दिल से और उनके कामों की प्रशंसा सब लोग करते हैं। हम चाहेंगे कि उनके जो किए हुए काम है उसको लोग आगे बढ़ावें। शहर की समस्या से वो जूझते रहे हैं और आज भी वो समस्या बरकरार है। हम सब लोग चाहेंगे कि यह शहर सुंदर बने, यही आज के दिन उनकी श्रद्धांजलि होगी। मुजफ्फरपुर नगर निगम के प्रथम महापौर स्वर्गीय श्री समीर कुमार जी की तीसरी पुण्यतिथि है। उस अवसर पर हम सभी यहाँ उनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये श्री समीर कुमार जी मुजफ्फरपुर नगर निगम के प्रथम महापौर थे और उनकी पुण्यतिथि निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर नगर निगम की दायित्व है कि अपने पूर्व के अधिकारी जो महापौर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि मनाने की जवाबदेही मुजफ्फरपुर नगर निगम की होनी चाहिए, न कि समीर फाउंडेशन को। समीर फाउंडेशन आज इसलिए मना रहा है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा अपने पूर्व के महापौर को याद करने में सक्षम नहीं है, अक्षम साबित हुआ। इसलिए मैं आज गुजारिश करता हूं कि आइंदे से इनकी जब 14वीं वार्षिक चौथी जब वार्षिक पुण्यतिथि मनाई जाए, श्रद्धांजलि सभा मनाई जाए, तो मुजफ्फरपुर नगर निगम की ओर से अच्छे ढंग से जो सिस्टम है व्यवस्था के ढंग से इसको मनाई जाए, यही हमारा आज के दिन कहना है। और इन्हीं के साथ मैं समीर कुमार अमर रहे, समीर कुमार अमर रहे, समीर कुमार अमर रहे, समीर कुमार। क्या कहेंगे समीर जी, जब तक हम लोग जिंदा हैं हम लोगों के मरने के बाद भी याद किए जाते रहेंगे, इसलिए कि उनका अपना व्यवहार, उनके काम करने की क्षमता, प्रथम मेयर होने के बाद जनता में जो लोकप्रियता थी, और निश्चित रूप से उनके ज़माने में जो विकास हुआ था वो याद करने लायक है। सरकार 100% इस मामले में फेल्योर है रही कि उनके आज भी हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए, सरकार 100% फेल। आज जब उनका इस सिनादी सभा आयोजित थी उसमें जैसा लगा कि जो लोग यहाँ आमंत्रित थे सब गुलाम हैं, एक मालिक अंदर से निकला, जूता पहन के माला पहनाया, अपने ऑफिस में चला गया। ये जो अफसर की जो बिहार सरकार में
खास के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अफसरों का मन भर गया है, जो राजनीति करने वाले लोग चाहे वो बुद्धिजीवी हों, प्रोफेसर हों, विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले लोग हों या शहर के सामाजिक लोग हों, उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई है। आते के साथ उन्होंने अपने बड़े बाबू को जांचा कि क्या हो गया, आप लोग बैठिए हम माला पहना करके आते हैं, आपके सीन में होगा। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। किसी भी व्यक्ति का जब मूर्ति पर माला अर्पण प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक करता है तो बड़े सम्मान से चप्पल उतार के ही करता है, यह नहीं करना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। अब डर के मारे कोई प्रशासक के डर के मारे या सरकार के डर के मारे यहाँ पर बैठे हुए हमारे मंत्री सुरेश शर्मा आदि जी नहीं बोले चाह करके भी, या विवेक कुमार प्रशासक को खूब बोले मगर इस पर नहीं बोले। पहले आप लोग पहले की लोग कर जनता को पहले चढ़वा देंगे तो अपने। और सारा लोग इतना लोग विरोध किया है और आग गुड़ा के अंदर गया है वो नगर आयुक्त, इतना क्या होता है नगर आयुक्त। मार्ग मार्ग जाएगी।